सबके पास वो टैलेंट है। आप ही के अंदर किसने पोता कहा, आप ही के अंदर किसने प्रधानमंत्री की फोटो की उत्तर दिया, आप ही के बीच में किसने कस्तूरी रंगन जी को याद किया, ऐसा कुछ नहीं कि हम नहीं जानते हैं। दिक्कत कहां है, कहेंगे तो क्या सोचेंगे, सही कह रहे हैं क्या, अरे छोड़ो जाने दो, चुप रह जाओ, हमको कौन पूछता है। मित्रों ये जो दो तीन की बच्चे फर्क है ना, गलती हो तो भी कहना, गलती हो, गलती को नहीं डरना कभी, डांट खाना, आप ये जो कहा डांट तो खाए होंगे, मेरे को छुपा रहे हो, टीचर ने चार पांच बार तो अभी तक डांटा ही होगा, डांटा नहीं तो फिर आपको प्रेरणा में अगले बार बुलाएंगे नहीं, मानना उनको, फाइनली टीचर जो कहता है उसको सुनना और मानना, लेकिन डांट नहीं खाया होगा तो अर्चना जी आपकी सिलेक्शन प्रोसेस में प्रॉब्लम है। हमें डांट खाने वालों को बुला के लेके आना है, जो थोड़ा आउट ऑफ सोचेगा, थोड़ा उद्यम करेगा, थोड़ा इधर उधर होगा, तभी तो उसमें सक्रियता आएगी। और मैं जानता हूं, मैं आपके आंखों को पढ़ पा रहा हूं, ऐसा नहीं आपने सब किया होगा, ये तो सब किया होगा बच्चे, नहीं नहीं डांट नहीं खाई, थोड़ा तो इधर उधर किया होगा ना, हाँ देखो मानती है, अभी मैं आपके आंखों को पढ़ लिया, आप सब करते होंगे और करके भी आए होंगे, नहीं किया तो जाने में कर देना, नहीं किया तो स्कूल पहुंचते पहुंचते तो आपको जैसे टीचर डांटे, डांटने से कैसे लगता है, ये भी एक फीलिंग है, ये भी एक फीलिंग लग रहा, आप जबरदस्ती का नहीं डांटना, टीचर जैसा मैंने एक लाइसेंस दिया इसलिए जाते जाते दो चारों को डांट नहीं देना, उनको गलती करने देना, डांटना फिर उसको सुधारना, ये एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस है। मैं जब हिसाब कर, मैं कब दिल्ली आया था, 40 साल पहले मैं पहली बार दिल्ली आया था, और मैं लगभग एक दिन मेरे मुंह से जुबान नहीं निकली थी, अच्छा दिल्ली ऐसा है क्या। अब तक आप लाल किले को फोटो में दिखे होंगे, आज लाल किले में पहुंच गए, और मौका मिलेगा तो आप मंच पे भी बैठोगे, और आप में से ताकत होगा मंच से भाषण भी दोगे, वो सपना है कि नहीं है। क्या एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा था, सपना कैसे होनी चाहिए, हाँ बट बताओ बताओ बेटा, सपना ऐसे हो जो हमको नींद ना आने दे, है ये ना, हमारी सपना एक ही है, 247 तक, 2047 तक, जब हमको 37 साल हो रहा होगा, जैन जी ने कितना कहा आपने, 50 साल आपको हुआ या कम है, कम है, मेरे तो उसके ऊपर है, तो हम तो तब तक बूढ़े ही हो जाएंगे, उन्होंने कहा तो मैं भी बूढ़ा हो चुका हूं, मैं भी तो पक्का बूढ़ा हो जाऊंगा, लेकिन देश नेतृत्व करेगा आप लोगों के कंधे पे, देश चलेगा आपके कंधे में। मित्रों बाकी सब जिंदगी में कुछ ना कुछ तो बन जाएंगे, और आपका ये एक स्कूलिंग है, आपका ये एक ट्रेनिंग है, आपका ये एक्सपोजर है, ये आपकी जिंदगी भर आपको याद रखेगा, शायद ये घटना आपकी जिंदगी को बदल भी देगा। जदि आपणको आम वीडियो टी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।